एमएस एक्सेल 2010 में हम इंसर्ट मेन्यू में नेक्स्ट कमांड लेंगे, हैपरलिंक के लिए हम यहाँ पर एक फाइल तैयार की हुई है, इसमें से हम किसी भी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। हैपरलिंक का यूज़ होता है जैसे हम किसी फाइल से लिंक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक लिंक बटन क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और हैपरलिंक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें जिस भी फाइल का इससे लिंक करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा और ये एक लिंक बटन के रूप में क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारी जो हमने इसके साथ फाइल को लिंक किया था वो फाइल यहाँ ओपन हो जाएगी। उसके बाद जैसे हमें इसको क्रॉस करना है ऊपर से हम फाइल क्लोज कर देंगे। फाइल क्लोज करने के बाद हम इसको नॉर्मल करने के लिए टेक्स्ट को हैपरलिंक में जाएंगे और रिमूव लिंक पे क्लिक करके इसको नॉर्मल कर देंगे। नेक्स्ट लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। हम जैसे एक्सेल शीट में टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना चाहें तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। हमें इसके अंदर जो भी मेटल टाइप करना है हम यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर देंगे। नेक्स्ट लेंगे हेडर एंड फुटर। हमें जैसे शीट पर हेडर में कोई भी टॉपिक लिखना हो तो हम यहाँ पर हेडर का यूज़ करेंगे। हेडर पे क्लिक करके हम यहाँ पर क्लिक टू ऐड में क्लिक करेंगे और हेडर जो भी हमें देना है हम टॉपिक यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे हम यहाँ पर फाइल नेम देंगे। इसी तरह से हम पेज के फुटर में भी टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। हम फुटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक टू ऐड फुटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हम फुटर में जैसे हम यहाँ पर एड्रेस है या हम डेट एंड टाइम वगैरह यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से हम हमारे एक्सेल शीट पे हेडर और फुटर का यूज कर सकते हैं। हमें इस शीट को नॉर्मल करने के लिए व्यू पर आएंगे और यहाँ पर हम नॉर्मल पेज पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं फाइल में जाकर प्रिंट पर क्लिक करके। नेक्स्ट हम लेंगे इसमें वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट हमारी टेक्स्ट की डिजाइनिंग के लिए होता है। जैसे हमें कोई भी टेक्स्ट एक डिजाइनिंग के रूप में यहाँ पर टाइप करना है तो हम वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी टेक्स्ट हमें अच्छा लगता है हम उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जो भी हमें यहाँ पर टॉपिक ऐड करना है वर्ड आर्ट में हम वो लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट में इसकी एक प्रॉपर्टी ओपन होगी, इसमें से हम इसके लिए फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कलर्स वगैरह जो भी चेंज करना चाहें आप।
शेप फिल पर जाकर भी हम कोई भी कलर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मोर फिल कलर्स में हम कई तरह के कलर्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर्स में जाकर हम किसी भी पिक्चर्स को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट्स में जाकर हम कलर को ग्रेडियंट्स में चेंज करेंगे। टेक्सचर्स लेंगे, यहाँ किसी भी तरह का टेक्सचर हमें लेना है तो हम यहाँ से फिल कर देंगे। इसके बाद हम लेंगे शेप आउटलाइंस। आउटलाइंस की विड्थ हमें कितनी रखनी है, आउटलाइन का कलर, इसके बाद हम लेंगे शेप इफेक्ट्स। हम यहाँ पर कई तरह के इफेक्ट्स इन पर अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने आपको पहले पिक्चर्स कमांड्स में सिखाया है। आगे जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड टू बैक, ये सब मैंने आपको पिक्चर्स कमांड्स पर सिखाया है। इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड लेंगे इक्वेशन। इक्वेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें जैसे कोई भी टेक्स्ट टाइप कर देंगे। उसके बाद हम इक्वेशन पर जाएंगे। इक्वेशन में हम किसी भी तरह के फॉर्मूलाज या मैथ्स रिलेटेड पेपर हम यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको कई तरह के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, इनमें से हमें जो भी लेना है हम क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसमें जो भी वैल्यू आपको टाइप करनी है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद जैसे हमें आगे यहाँ पर स्क्रिप्ट का यूज करना है स्क्वायर के लिए, तो हम इसको लेंगे और यहाँ पर जो भी हमें वैल्यू टाइप करनी है उसको हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। इस तरह से हम ये सारी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज कर सकते हैं और एक पेपर इसमें हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हम सिंबल लिखेंगे। सिंबल्स, जैसे हमें कोई भी मेटल टाइप करने के पहले यहाँ पर कुछ सिंबल्स देने हैं, सिंबल पर क्लिक करके हम सिंबल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर फॉन्ट पर क्लिक करके वेबडिंग्स लेंगे, जो भी सिंबल इसमें से हमें लेना है क्लिक कर देंगे, इंसर्ट करेंगे, क्लोज। उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर देंगे। इस तरह से हम एक्सेल शीट में भी सिंबल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे इसमें पेज लेआउट।